नमस्कार साथियों, मैं हूं गोवर्धन दास और आज आपके लिए लेकर आया हूं 27 मई का करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां पतरातू सुपर थर्मल पावर परियोजना की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों, सही जवाब है झारखंड। झारखंड की राजधानी दोस्तों आपको पता है रांची है, मुख्यमंत्री है रघुवर दास और राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री जी ने 25 मई को झारखंड में एनटीपीसी की पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के 2400 मेगावाट वाले प्रथम चरण की आधारशिला रखी है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों, ये कितना मेगावाट का है, कौन सा चरण है, पहला चरण है 2400 मेगावाट है और झारखंड में है, एनटीपीसी की है और इसमें झारखंड सरकार और एनटीपीसी की कंपनी पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच में 274.26% की हिस्सेदारी वाला ये उपक्रम है। इसमें एक टोटल क्षमता है दोस्तों 4000 और अभी जो वर्क हो रहा है वो हो रहा है दोस्तों 2400 मेगावाट पर, प्रथम चरण में 2400 मेगावाट है। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि कुल क्षमता कितनी है 4000 मेगावाट और हिस्सेदारी कितनी है 74.26% और अभी प्रथम चरण में कितना मेगावाट की आधारशिला रखी गई है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय नौसेना के किस लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी के चौथे जहाज को बेड़े में शामिल करेगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है INLCUL-54। चीफ ऑफ मेटेरियल वाइस एडमिरल GS पब्बी ने पोर्ट ब्लेयर में 54 जहाज को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया है। दोस्तों, ये है जो MK-4 श्रेणी का जहाज है, इस जहाज का जो डिजाइन है वो देश में ही तैयार किया गया है, गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने इसको किया है। दोस्तों, जहाज निर्माण का जो काम है वो यहाँ पर कोलकाता में होता है, तो कई बार पूछा जाता है, ये आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कहाँ पर है, तो दोस्तों कोलकाता में। अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है कि ये अभी ये जहाज है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह कमान में है, इन्हें समुद्र तट के अभियान, तलाशी बचाव, आपदा राहत अभियानों, आपूर्ति, लदान, दूर दराज के द्वीपों से बाहर निकालने जैसे कई अभियानों में इसको तैनात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दोस्तों ये UGC है, वाहिनी है, ये यू है, UGC ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के पाठ्यक्रमों के लिए डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज को मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों, सही जवाब है इसका ऑनलाइन पाठ्यक्रम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने UGC नियम 2018 को अनुमति प्रदान कर दी है। उच्च शिक्षा संस्थान अब केवल उन विषयों में ऑनलाइन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री पाठ्यक्रम, कोर्स प्रदान कर सकेंगे जिनमें वो समान या मिलते जुलते पाठ्यक्रम नियमित रूप से स्नातक स्तर पर मुक्त या दूर शिक्षा में संचालित कर रहे हो। अगला सवाल है दोस्तों, चौथा स्मार्ट सिटीज इंडिया 2018 एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। ये कई बार अभी एग्जाम में पूछा जाता है, करंट के एग्जाम में, बाकी ज़्यादा 5-6 महीने होने के बाद ये नहीं पूछा जाएगा। स्मार्ट सिटीज इंडिया 100 नगरों को स्मार्ट नगरों के रूप में विकसित करने का संकल्प है, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। स्मार्ट सिटी इंडिया 2018 एक्सपो दोस्तों 3 दिनों तक ये चलेगा, इसके अंतर्गत ये कार्यक्रम लाभदायक व्यावसायिक संबंध बनाने, विचारों का आदान प्रदान करने और जानकारी को सुधारने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है। अगला सवाल है दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग के साथ 12 जून को किस स्थान पर आयोजित की जाने वाली सिंगापुर शिखर वार्ता दोस्तों स्थगित कर की घोषणा की है? तो सही जवाब है इसका सिंगापुर। अभी उत्तरी कोरिया जानते हो काफ़ी विवादास्पद और तानाशाह के रूप में किम जोंग काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं और उन्होंने अभी हाइड्रोजन बम का भी आविष्कार किया है, लेकिन अभी अमेरिका और उत्तरी कोरिया के बीच में बातचीत होने वाली थी लेकिन अभी जो शिखर वार्ता है वो उसको बंद कर दिया गया है। पहले ये दोनों सिंगापुर में मिलने वाले थे, आप जानते हैं दोस्तों उत्तरी कोरिया की राजधानी है वो प्योंगयांग है और तानाशाह किम जोंग उन है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तरी कोरिया के नेता के साथ ये बैठक सिंगापुर में करने वाले थे, अमेरिका ने इसको रद्द कर दी गई। अमेरिका ने इसका कारण उत्तरी कोरिया का शत्रुतापूर्ण व्यवहार बताया है। अप्रैल में ट्रंप ने दुनिया को चौंकाते हुए किम जोंग के बैठक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। उत्तरी कोरिया ने विदेशी पत्रकारों की उपस्थिति में अपने परमाणु परीक्षण स्थल को ध्वस्त कर दिया। उत्तरी कोरिया के द्वारा पग्गी री परमाणु परीक्षण स्थल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ISP के लिए, पग्गी री परमाणु स्थल
कहां पर है, उत्तरी कोरिया में, को बंद करने के बाद भी अमेरिका ने प्रस्तावित बैठक से अपने कदम पीछे खींच लिए। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक म्यूचुअल फंड के बदले किस प्रकार के लोन की पेशकश करेगा? इसका सही जवाब है डिजिटल लोन। दोस्तों एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी, अभी इनके सीईओ आदित्य पुरी है। एचडीएफसी का बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली है, सॉरी दोस्तों एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है, और इसकी बैंक की टैग लाइन है हम आपकी दुनिया को समझते हैं। एचडीएफसी बैंक ने म्यूचुअल फंड के बदले में डिजिटल लोन लॉन्च किया है। ये ट्रांसफर एजेंट CAMS के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि उड़ीसा का राज्यपाल, नया राज्यपाल अभी नियुक्त किया गया है, कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है प्रोफेसर गणेशी लाल को उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये हरियाणा के भाजपा अनुशासन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पहले केरल बीजेपी के अध्यक्ष कुमनम राजशेखर है। श्री कुमनम राजशेखर जो है वो केरल के बीजेपी अध्यक्ष है। श्री राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने प्रोफेसर गणेशी लाल को उड़ीसा का तथा कुमनेश्वर राजशेखर को मिजोरम का नया राज्यपाल नियुक्त किया। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पहला जो कुमनम राजशेखरन जो देख रहे हैं वो मिजोरम के राज्यपाल है, और प्रोफेसर गणेशी लाल ये उड़ीसा के राज्यपाल है, उड़ीसा के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आरएस प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राजस्थान के रोग निगरानी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों सही जवाब है इसका निदान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राज्यपाल कल्याण सिंह है। तो अभी रोग निगरानी के लिए निदान सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, ये मौसम की गैर संक्रमणीय बीमारियों और विशिष्ट क्षेत्रों में पाए जाने वाली बीमारियों के रुझानों की निगरानी करेगा। इसका उद्देश्य सरकार में टेलीमेडिसिन सेवाओं को मजबूत बनाना है। अगला क्वेश्चन है, वह पूर्वोत्तर राज्य जहां मोबाइल सेवा सुधार हेतु व्यापक दूर संचार विकास योजना को मान्यता प्रदान की गई है? तो दोस्तों सही जवाब है इसका मेघालय। मेघालय में व्यापक दूर विकास संचार विकास योजना को प्रारंभ की गई है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, मेघालय के मुख्यमंत्री दोस्तों के संगमा है, और मेघालय के राज्यपाल गंगा प्रसाद है। 24 मई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल सेवा में सुधार के लिए मेघालय में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के लिए व्यापक दूर संचार विकास योजना परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस परियोजना में मेघालय के पहचाने गए इलाकों में 2G और 4G मोबाइल कवरेज और राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ निर्बाध मोबाइल कवरेज का प्रावधान है। इसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा वित्त पोषित किया गया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी दोस्तों ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि व्यापक दूर संचार विकास योजना भी किस राज्य में स्थापित की गई है, तो मेघालय में। अगला क्वेश्चन आता है, किस संस्थान ने वन्य जीव प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी में भारतीय जैव विविधता पुरस्कार जीता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईएएस प्री के लिए। सही जवाब है सिंह चंग बागुन कम्युनिटी एनजीओ, ये गैर सरकारी संगठन है। सिंह संग बगुन कम्युनिटी रिजर्व वन्य जीव प्रजातियों के संरक्षण के क्षेत्र में भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2018 जीता है। इस एनजीओ ने उस क्षेत्र के दुर्लभ वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करने के लिए अद्वितीय प्रयास किया। ये पुरस्कार दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया था। तो दोस्तों हम आज का करंट अफेयर्स देख चुके हैं, और आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हमें बताइएगा आपको ये कैसा लगा, और कोई सुझाव हो तो बिल्कुल हमें दीजिएगा, स्वागत है आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। आरएस प्री मेंस और इंटरव्यू इन तीनों चरणों में प्रत्येक प्रकार का गाइडेंस आपको मिलेगा इस YouTube चैनल के ऊपर। इसके साथ ही फर्स्ट ईयर के लिए हिस्ट्री और कॉलेज लेक्चरशिप के लिए भी हिस्ट्री का गाइडेंस आपको यहाँ प्रत्येक वीडियो में आपको मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।